भाजपा के तीन नगर निगम के महापौरों ने आम आदमी पार्टी के आरोपों के जवाब में आज एक प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को 15 मीटर कम किया है और 25 ट्रॉवल मशीनें चल रही हैं और 10 अन्य डबल कैपेसिटी की मशीनें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने दावा किया कि 2024 तक कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा और कूड़े का एक भी कण न हो, यह उद्देश्य है। इस अवसर पर उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने भी अपने निगम के संदर्भ में तथ्य गिनाए और कहा कि नॉर्थ एमसीडी के अंदर 200 ढलाव बंद किए गए और खाली किए गए जगहों को एनजीओ को जन सहायता के लिए दिया गया है। इस अवसर पर महिपालपुर के निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत भी उपस्थित रहे। अभी कल पीसी के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने मन घड़त और तथ्यहीन कुछ आरोप लगाए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, तीनों नगर निगम दिन प्रतिदिन सफाई के मामले में स्तर को ऊंचा किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जहां कूड़े के पहाड़ को 15 मीटर कम किया, जहां कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं, कौन सी कंपनी को मिलने वाला है ये भी 15 दिन में तय हो जाएगा। जो कंपनी इसको लेगी 50 लाख मीट्रिक टन कूड़ा 2.5 साल में ख़त्म करने वाली है। इसके अलावा 25 ट्रॉमल मशीनें हमारी चल रही हैं, 10 ट्रॉमल मशीनें डबल कैपेसिटी की आने वाली हैं, 35 ट्रॉमल मशीनों के माध्यम से प्रतिदिन 9,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। जो हमने डेडलाइन दी है 2024 तक इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, बहुत बड़ी योजना हम लोगों की है और जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मनगढ़ंत आरोप लगाना, प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहना, जिसका और केवल एक ही बात है, अभी जैसे उन्होंने कल कहा सफाई के मामले में 7 दिन से कूड़ा नहीं उठा, मैं तो हैरान था उन्होंने 7 दिन क्यों कहा, शायद 7 महीने भी कह सकते थे। हमारे गाड़ियाँ लगातार, हमारी जो कंपनी काम कर रही है, 433 ऑटो टिप्पर चल रहे हैं, 433 कंपैक्टर हमारे काम कर रहे हैं, 21 हुक लोडर्स काम कर रहे हैं, जो कि जो हुक लोडर होते हैं हमने प्लांट लगाए हुए हैं जहाँ पे कि जैसे अपना एक बॉक्स होता है उसके अंदर कूड़ा डालते हैं, 10 टन कूड़ा डालते हैं तो उसका 1.5 टन कूड़ा रह जाता है, कम्पैक्ट कूड़ा हो जाता है, और उसको उठा के गाड़ी हुक लोडर उठा के उसको ले जाता है और खाली छोड़ देता है। ऐसे 21 हुक लोडर लगाता हम लोग ये काम करें, क्योंकि कूड़े का एक भी कण सड़क पे ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कि हम कल प्रेस में देख रहे थे कि आम पार्टी ने एक झूठा और बेबुनियाद को स्टेटमेंट दिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली नगर निगम, जिसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बारे में भी, ईस्ट दिल्ली के बारे में भी, साउथ दिल्ली के बारे में भी कहा। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। मैं अपना स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल लगभग 90 के करीब हमने कम्पैक्टर्स लगाए और मई तक हम 167 कम्पैक्टर्स पूरे कर लेंगे। 90 कम्पैक्टर लगाने का मतलब है हमने नॉर्थ एमसीडी के अंदर लगभग 200 ढलाव बंद किए। वो ढलाव हमने रोड के ऊपर केवल बंद नहीं किए, वो उसको हमने पब्लिक यूटिलिटी सेंटर बनाए, वहाँ पर हमने कहीं पर लाइब्रेरी बनाई, किसी एनजीओ को दिया, और जो भी पब्लिक यूटिलिटी हो सकती है वो सीनियर सिटीजन का हो वो हमने एनजीओस को दिए, ताकि वो जगह ढलाव जोन से हैं वो खूबसूरत बन जाए और पब्लिक की सेवा में वो काम हो सके। हमारे पास इस समय 261 के करीब ऑटो टिपर काम कर रहे हैं, अगले महीने तक वो लगभग 600 के करीब ऑटो टिपर आ जाएंगे। ट्रैक्टर ट्राली हमारे पास 21 है, ई रिक्शा 73 के करीब हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगले महीने तक उसमें 228 के करीब हमारे ई रिक्शा आ जाएंगे। मुझे बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, जो पार्टी कर्मचारियों की बात करती है वो झूठे झूठे उन पर एलिगेशन क्यों लगा रही है। नॉर्थ एमसीडी के पास हम 1276 यूनियन हमने डिफरेंट मार्केट्स में लगा रखे हैं, 85 के करीब 85 हम पब्लिक टॉयलेट्स जो एमसीडी खुद कैटर कर रही है, 298 सीटीसी जिसे हम सुलभ शौचालय कहते हैं
वो हमने पब्लिक को पब्लिक सेवा के लिए लगा रखे हैं। तो जो नॉर्थ एमसीडी है वो पूर्ण तौर से जनता की सेवा में लगी है। हमारे जो सफाई कर्मचारी डे नाइट सेवा करते हैं, तो मैं आम पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप हम पर प्रश्न चिन्ह ना लगाकर हमारी जो सेवा सफाई कर्मचारी हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। जैसा कि अभी हमारे दोनों मेयरों ने बताया कि इन्होंने तो रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने की आदत हो गई है। आप में से बहुत से पत्रकार बंधु हमारे साथ हाउस में बैठते हैं, हाउस में किसी भी आम आदमी के पार्षद ने आज तक ये क्वेश्चन नहीं उठाया है कि उसके एरिया में सफाई नहीं हो रही। उसके बावजूद भी मैं आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ कि हमारा जो 46 एकड़ का एरिया है जहाँ पे हमारा ये SLF की साइड है ओखला में, वहाँ पे 46 एकड़ का एरिया है, उसमें करीबन 55 लाख मैट्रिक टन की जो वहाँ पे जो कूड़े का ढेर है वो है, उसकी हम 12 से 15 मीटर हाइट हम कम कर चुके हैं। 24 टोल मशीन हमारी वहाँ पे काम कर रही हैं। हाईवे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें हम वो मिट्टी सप्लाई कर रहे हैं जिससे कि उसकी फीलिंग हो जाए। हम वहाँ से पूरा का पूरा निकाल के उसको कचरे को साफ करके और जो मिट्टी निकल रही है उसको हम हाईवे में दे रहे हैं NHAI को, जिससे कि वो बॉम्बे एक्सप्रेसवे में उसमें फीलिंग में काम आ रही है। उसके बाद हमारा जो टारगेट है दिसंबर 23 तक, हम दिसंबर 23 तक उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे जो हमारा अपना टारगेट है, और हम 100% उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 23 तक साउथ MCD उसको बिल्कुल क्लियर कर देगी। सर, आज जो प्रेस वार्ता में जो आज कूड़े के संदर्भ में जो कहा गया था उस संदर्भ में क्या है, मतलब उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? कि देखो, उन्होंने कुछ क्वेश्चन ईस्ट MCD के ऊपर लगाए थे जो बेबुनियाद थे, जिसका बहुत भली से जवाब दिल्ली के मेयर साहब ने दे दिया। तो इस चीज़ को मैं बार बार नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो हर रोज नियमित नया झूठ बोलते हैं, वो उनको झूठ बोलने की आदत है। क्योंकि अगर आपको कोई समस्या है आप हमें समस्या बताइए, हम खाली राजनीति करने नहीं आए, समस्या का समाधान करने आते हैं। मगर आपके पास कोई समस्या तो है नहीं, दिल्ली की जनता को कोई समस्या नहीं है हमसे, इसलिए ये दिल्ली सरकार हर जगह नाकामयाब है और अपनी नाकामयाबी को ढकने के लिए ये कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाकर अपना जो लोगों का ध्यान रखें। सर, वो 3 मेयर से जो अब एक मेयर जो किया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या करना चाहेंगे सर? जी, मैं उस कदम का बहुत ही स्वागत करता हूँ, तहे दिल से मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो गलती 2012 के अंदर उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट ने की थी, अब उसी गलती को हम सुधारें, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का भी और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम लोग लगातार सफाई मामले में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे 140 ढाबों के बंदों में बन ट्रक के माध्यम से कूड़ा जाता है, दिन रात कूड़ा उठता है, घर घर से कूड़ा उठाया जाता है और बहुत अच्छे हमने आयाम हासिल किए हैं। पहले भी कोई भी दिल्ली के रैंकिंग में सुधार आया है और इस बार बड़े स्तर पर सुधार आने वाला है। हम कोई भी दिल्ली के 99% नागरिक खुश हैं और हर किसी को कहते हैं कि सुधार पहले के बहुत अधिक आया है और आने वाले समय में जब चुनाव आप देना आपका रिजल्ट दिखाई देगा, आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई भी नहीं देगी। सर, 3 मेयर जो अब एक मेयर किया जा रहा है, इस संदर्भ में क्या करना चाहेंगे दिल्ली? ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि दिल्ली से क्या फ़ायदा होगा? दिल्ली सरकार लगातार हम लोगों को फंड नहीं दे रही थी, 3,000 करोड़ तीनों निगमों का नहीं दिया, उसके अलावा हर साल जो फंड मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। हम मिलने जाते तो हमसे मिलते नहीं, 3-3 घंटे बैठने के बाद भी वो लोग हमसे नहीं मिल पाए। हमने कहा कि सामने अपना अकाउंट लेके आओ, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हमसे बात कर पाए, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हमसे आँख मिला पाए। हम लोग अपना काम करने में लगे हैं और इसमें हमें सफलता मिलेगी और तीनों निगम के एक होने से विकास में तेजी आएगी। देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था कि साउथ MCD अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जो 1100 टिप्पर काम करते हैं पर डे डोर टू डोर कलेक्शन में, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक काम करते हैं, और हमने अपनी जो SLF साइट थी ओखला की, हमने उसकी 12 से 15 मीटर हम हाइट कम कर चुके हैं। हमारी 24 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन जो है वो रोड साफ करती हैं। वो रोड किसके हैं? वो PWD के हैं, दिल्ली सरकार के रोड है। वो अपने रोडों की सफाई तो कर नहीं सकते, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना। झूठ बोलो, आरोप लगाओ, भाग जाओ, बस इतना ही उनका।